हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लाइमेट के विषय में। आप सभी कैसे हैं पास्टर्स? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़ रही है और उद्देश्य प्रेरित कलीसिया के कुछ सिद्धांतों को लागू करके आप उसके लाभ को देख पा रहे हैं आपके खुद के चर्च में। मैं आप लोगों से प्रश्नों को सुनना चाहूँगा ताकि जब मैं वीडियोस को बनाऊँ या कुछ और या प्रश्नों के उत्तर को दो उसमें बहुत तेरे आपकी परिस्थिति से मेल खाते हो, किसी चीज़ का सामना कर रहे हो या कुछ जानना चाहते हो, किसी विषय जानते हैं, मैं उसे समर्पित करूंगा। तो अगर आप प्रश्न को लिख सकते हैं, हो सकता है इस YouTube के निचले भाग में, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pastorjeremy@gmail.com। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। मैं आपको क्लाइमेट के विषय में बताना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सेवा के बिल्कुल आरंभ में, आपकी सेवा आरंभ होने के 20 मिनट पहले, जिस रीति से लोग आपकी कलीसिया में आते हैं, जिस रीति से लोग उस क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर आपकी कलीसिया इकट्ठी होती है, वे किस से मिलते हैं, किस से हाथ मिलाते हैं, वातावरण कैसा है, और वहाँ की रोशनी और संगीत, खुशी का अनुभव होना, मर्यादा का अनुभव होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसके विषय में सोचें। और इसके विषय में तो मैं बहुत सारी बातों को बोल सकता हूँ, मैं उस पर एक प्रशिक्षण दे सकता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय सोचिए और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से ये प्रश्न पूछे, जब एक नया व्यक्ति कलीसिया में आता है तो उसे कैसा महसूस होता है। आप कई सालों से चर्च में आ रहे हो, सेवकाई में हाथ बटाने वाले लोग कई सालों से आते हैं और सभी लोग जो कुछ भी उन्हें करना है उसमें शामिल होते हैं। जैसे ही वे आते हैं अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी जगह पर जाते हैं, जिन लोगों को जानते हैं उनसे वे बात करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बार आपकी कलीसिया में आता है तो उसे कैसा महसूस होता है? तो जब वे आते हैं, आज मैं सिर्फ दो बातों को लेना चाहूँगा, जब वे आते हैं क्या उन्हें तुरंत ही स्वीकृति का अनुभव होता है, क्या उनका स्वागत मुस्कुरा के किया जाता है, क्या उनका स्वागत गर्म जोशी के साथ किया जाता है? मैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा कि कोई उनका अभिवादन कर रहा है, सुनिश्चित करते कि वे अंदर जाए और अपनी जगह को देख ले, लेकिन समाज का जो असली अनुभव है, आपका स्वागत करना, जैसे कि घर में करते हैं या फिर विवाह में या किसी प्रकार का कोई उत्सव। तो इस विषय में सोचिए, जब नए लोग आपकी कलीसिया में आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, तुम्हारे लोगों को और तुम्हारी भीड़ को या तुम्हारी सभा को, सही है? दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाए वो ये है, जानकारी की पारदर्शिता। जैसे ही वे आते हैं, ऐसी कोई बात है जो कि उपलब्ध है, तुरंत ही एक अविश्वासी जानता है कि क्या हो रहा है, क्या उसे पता है कि प्रभु भोज क्या है, क्या उसे पता है कि क्यों कुछ कार्यक्रमों की सूचना दे रहे हैं, उन्हें क्यों लगता है कि वो यहाँ पर बैठा है और वो वहाँ पर बैठा है, क्या उसे पता है कि सभा की समय सीमा कितनी होगी, क्या आप उचित मात्रा की जानकारी दे रहे हैं, क्या आप उचित मात्रा का ज्ञान ले रहे हैं ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि इस बात को समझने के लिए 45 मिनट लग जाएंगे या फिर एक घंटा। मुझे पता है कि सभा में एक आराधना होगी और उसके पश्चात में हम वचन से समझाया जाएगा और शायद प्रभु भोज का मतलब यही होता है। जब आप ये जानकारी देते हैं, आप लोगों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों को समझाते, शायद पुलपिट से हो या फिर किसी प्रकार के लेख में, हम तो ऐसे हैं और इस पर हम लोग विश्वास करते हैं और अगले सप्ताह जब लौट कर आओगे तो आपको ये मिलेगा, इस प्रकार की मूलभूत जानकारी ये मददगार होती है। मान लो आपकी देहात की कलीसिया हो या समाज की छोटी सी कलीसिया, या आप तो एक ही संस्कृति में हो, आप या तो उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय या फिर नेपाली या फिर विशेष प्रकार का एक झुंड या गांव का झुंड हो सकता है। उसके लिए आपको इतनी कोशिश ना करनी पड़े, लेकिन किसी को तो ये बताने की आवश्यकता है क्योंकि, लेकिन फिर भी वे नए विश्वासी के समाज में शामिल हो जाते हैं, वे चाहते हैं कि जाने की क्या हो रहा है। आप लोगों को आराम दे सकते हैं, उन्हें क्या अपेक्षा करनी चाहिए जब उन्हें पता चलता है, और वे किस में शामिल होना है या नहीं होना है, आप वो आज़ादी उन्हें दे रहे हैं। सोचिए ज़रा, स्वीकृति, क्या उन्हें स्वीकृति जैसा महसूस होता है? दूसरी, क्या उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है, उसके आसपास क्या होगा? क्या आपने आरामदायक स्थिति दी है? अगर वे मेहमान हैं और उन्हें आराम है, वे लोग लौट कर आएंगे, और इस विषय आपको सोचना आवश्यक है। हम कैसे जान पाएंगे कि वे फिर से लौट कर आएंगे?